अब अभिमंत्रित करने का मंत्र सुन लो। अभिमंत्रित कैसे किया जाए बता देता हूं। आप भगवान शिव के पास बैठ जाइए, आप अगर स्वयं पहन रहे हो, खुद पहन रहे हो, तो अगर गुरु के द्वारा दिया गया कथा का प्रसाद आया, आचार्य के द्वारा दिया गया, तो फिर वो स्वयं सिद्ध है, फिर डायरेक्ट उसको पहन सकते हो, शंकर भगवान पर चढ़ा के पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको अभिमंत्रित करना है, आपको अभिमंत्रित करना है, तो भगवान शिव के सामने बैठ जाओ, दीपक जला लो, देसी गाय के घी का दीपक जला लो, और दीपक जलाने के बाद जो रुद्राक्ष आप एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष है उसको अपने लेफ्ट हाथ में रख लो, और फिर ऊपर से यूं दबा लो। अब जितना मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हो आप, उसका मंत्र बता रहा हूं, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को बोलकर उसको अभिमंत्रित कर ले, 108 बार बोल ले और फिर फूंक लगा दे, फिर महादेव को प्रणाम करे, और फिर आप ग्रहण कर ले। जिस कोई आदमी बीमार होता है, अगर 108 हनुमान चालीसा संपुटित करके, ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत वलवीरा, उसको करके अभिमंत्रित करके पिला दो पानी, वो पानी को अभिमंत्रित कर दो, वो व्यक्ति में तुरंत एनर्जी आ जाएगी, तुरंत, कितना भी बीमार हो तुरंत एनर्जी आती है। हाँ, 108 हनुमान चालीसा अभिमंत्रित करके, जल को अभिमंत्रित कर उसको पिला दो। और मैंने तो कई बार कहा यार, रुद्राक्ष को पानी में डाल दो, जिस पानी में मरीज जो बीमार व्यक्ति हो जो पानी पीता है उस पात्र में डाल दो, मजा आ जाएगा, उसको वही पानी पिलाया करो। मंत्र दिया गया है, एक मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने का मंत्र है, धारण करने का मंत्र है, ओम रिंग नमः। दो मुखी का ओम नमः, तीन मुखी का ओम क्लिंग नमः, चार मुखी का ओम रिंग नमः, पांच मुखी का ओम रिंग नमः, छह मुखी का ओम रिंग हुंग नमः, सात मुखी का ओम हुंग नमः, आठ मुखी का ओम हुंग नमः, नौ मुखी का ओम रिंग हुंग नमः, 10 मुखी का ओम रिंग नमः, 11 मुखी का ओम रिंग हुंग नमः, 12 मुखी का ओम क्रोंग श्रोंग रोंग नमः, और 13 मुखी का ओम रिंग नमः, और 14 मुखी का ओम नमः। यह मंत्र मैंने अभिमंत्रित करने का बता दिया। अभिमंत्रित करें, भगवान शिव पर चढ़ाए और धारण करें। भगवान शिव जब हैं, भोला भंग तिहारी में तो घोटत घोटत हारी, मस्त हो जाते महादेव, उसी तरह जो जीवात्मा रुद्राक्ष पहनता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो शिव का रूप हो जाता है। शिव का रूप होने का मतलब यह है, वो जीव जब संसार से विदा होगा तो सीधा भगवान शिव के पास चला जाएगा, शिव के पास चला जाएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।